हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइसेकेराइड। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? ऐसे शुगर होते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से डाइसेकेराइड क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है हमें, डाई एंड सेकेराइड। डाई का मतलब होता है दो और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो यहाँ पर डाइसेकेराइड का मतलब ये है कि एक ऐसे शुगर जहाँ पर दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं। तो डाइसेकेराइड जो है वो दो मॉलिक्यूल से मिलके बना है मोनोसेकेराइड की। जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो एक डाइसेकेराइड बनता है। अब ये जो मोनोसेकेराइड हैं जो कि आपस में जुड़ के डाइसेकेराइड बना रहे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दो मोनोसेकेराइड एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड का, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब यहाँ पर आप एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक कॉमन डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक हमारा फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है और इससे मिलकर हमारा एक डाइसेकेराइड बन रहा है। तो डाइसेकेराइड देखने में कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पर दो मोनोसेकेराइड की यूनिट्स होती हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे उनमें जो मोनोसेकेराइड हैं वो जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले समझते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड है क्योंकि इसको हम एक शुगर की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, वो सुक्रोज ही होती है जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरली पाए जाने वाली एक शुगर है जो कि फ्रूट्स में, सीड्स में और फ्लावर्स में पाई जाती है। शुगर का जो मेन सोर्स है, यानी सुक्रोज का जो मेन सोर्स है, वो हमारा शुगर केन है। शुगर केन के अंदर 15 से लेकर 20% तक सुक्रोज पाया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो कि दो मोनोसेकेराइड से मिलके बना है। वो दो मोनोसेकेराइड हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज कैसे बनता है? जब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है और सुक्रोज में एक डी नेगेटिव फ्रुक्टोज। डी नेगेटिव क्या है? नेगेटिव साइन हम क्यों लगा रहे हैं ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो एक डी फ्रुक्टोज ज्वाइन होता है एक डी ग्लूकोज से बाय दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब एक डी फ्रुक्टोज ज्वाइन हो जाता है डी ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से, तो हमारा सुक्रोज बन जाता है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस साइन किसको डिनोट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि ये जो हमारा सुक्रोज है इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में लिंक कैसे हैं। तो लिंक कैसे हैं? जो हमारा ग्लूकोज है यानी जो हमारा डी ग्लूकोज है उसका C1 कार्बन, ठीक है, जो ये हमारा डी ग्लूकोज इसमें है सुक्रोज में, ये अल्फा फॉर्म है डी ग्लूकोज की, ठीक है। तो डी ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म जो है उसका C1 कार्बन यानी कि फर्स्ट कार्बन ज्वाइन होता है बीटा डी फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन से। तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ज्वाइन होता है बीटा डी फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन से वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है जिससे कि हमारा सुक्रोज बन जाता है। अब बच्चों यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा फ्रुक्टोज है। ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है और ये फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन है। ये आपस में ज्वाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और हमारा सुक्रोज बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाइसेकेराइड पे जो कि है हमारा माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला भी C12H22O11 ही होता है और ये कॉमनली माल्ट शुगर कहलाता है। इसको हम माल्ट शुगर बोलते हैं। ये जर्मिनेटिंग सीड में पाई जाती है शुगर। ये किस तरीके से बनती है? इसके अंदर दो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, यानी इसमें दो ग्लूकोज आपस में ज्वाइन रहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर क्या होता है, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ज्वाइन होता है दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिससे हमारा माल्टोज बन जाता है। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है जहाँ पर दो ग्लूकोज आपस में लिंक है। पहले वाले का फर्स्ट कार्बन और दूसरे वाले का फोर्थ कार्बन लिंक होता है जिससे हमारा माल्टोज बन जाता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट शुगर पर, जो कि है हमारा लैक्टोज। ये भी एक डाइसेकेराइड है। ये मैमल्स के मिल्क में पाया जाता है, यानी कि मैमल्स के दूध में पाया जाता है, जैसे कि गाय भैंसें होती हैं, इंसान भी होते हैं मैमल्स, इनके दूध में ये पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोज का केमिकल फॉर्मूला भी C12H22O11 ही होता है। और जो काऊ मिल्क होती है, यानी कि यहाँ पे नाऊ नहीं है, काऊ है, तो काऊ मिल्क में ये 4 से 6% तक पाया जाता है लैक्टोज। और लैक्टोज बनता कैसे है? लैक्टोज में एक बीटा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी गैलेक्टोज होता है। एक बीटा डी ग्लूकोज होता है, एक बीटा डी गैलेक्टोज होता है। ये आपस में लिंक होते हैं और लैक्टोज बनाते हैं। किस तरीके से लिंक होते हैं? यहाँ पर फर्स्ट कार्बन होता है गैलेक्टोज का और फोर्थ कार्बन होता है ग्लूकोज का। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का। गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन होता है और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन होता है, जिससे कि हमारा लैक्टोज का स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से ये कुछ डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा मोनोसेकेराइड ज्वाइन होकर कौन सा डाइसेकेराइड बना रहा है और बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में बन रहे हैं। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डाइसेकेराइड में। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।